आज पंजाब की सरकार ने दूसरा बजट पेश किया है जिसमें पंजाब सरकार ने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जो बजट में पेश किया है, लेकिन लोगों का इस संबंधी क्या कहना है, आम लोगों का इस संबंधी क्या कहना है जो पंजाब सरकार ने बजट पेश किया। हमारे साथ यहाँ पे कुछ आम लोग हैं, उनसे पूछते हैं, ज़्यादातर किसान हैं। सर, आप जो पंजाब सरकार ने जो बजट पेश किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? किसानों के लिए तो कर्जे तो नहीं करते, किसानों के लिए क्या करेंगे, आम किसान तो ऐसे रहेंगे जैसे करने हैं। क्या चाहिए था किसानों को? किसानों का कर्जा माफ करें, किसानों को अच्छी फसलें उगाने के लिए बीज में सब कुछ जो किसानों को बीज देते हैं उसके ऊपर आपका क्या कहना है? जो किसान मार रोला पड़ता है, लेकिन क्या बजट में इस बार सरकार ने रखा कि जो हर साल जो कहीं ना कहीं किसानों की फसल बर्बाद होती है उसमें किस उसके लिए क्या रखा सरकार ने, कि आपके लिए रखा कुछ? अभी तो हमारे को कुछ पता नहीं है क्या रखा है। पहले तो जब हम अंजीरी लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा मतलब कोई ना कोई बीमारी आती है। पिछली दफ़ा जो छोटे छोटे बूटे रह गए तो वो उसके लिए भी कुछ नहीं सरकार। कितना नुकसान होता है हर साल किसानों का? किसानों का नुकसान तो मेरे ख्याल में चौथा हिस्सा हो जाता है फसल का, कोई मुआवजा नहीं। जब गड़े पड़ते हैं तभी कोई मुआवजा नहीं। पिछली दफ़ा क्या दिया गड़े ने, जो बासमती वो ख़राब कर दी, कुछ नहीं दिया किसी को, कुछ नहीं मिला। पंजाब सरकार ने तो बोला कि इस बार किसानों के लिए इस बजट में बहुत कुछ रखा गया है, गन्ने की फसल के लिए उन्होंने जो बकाया राशि है वो भी दी है और जो गन्ने का जो रेट है वो भी बढ़ाया है। अभी तो बहुत पैसा किसानों का गन्ने का बाकी है, तो हमारे जो किसान आंदोलन में जो गए थे किसान तो वो उन्होंने धरने लगा कर तो कुछ पैसा निकाला किसानों का, तो बहुत पैसा अभी तो रहता है किसानों का गन्ने का। आप यहाँ पे रहने वाले हैं, आप यहाँ पे रहने वाले हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पे है किसान किन किन मुश्किलों में गुजरता है जो बजट में आपने लिखा गया? किसानों के तो बहुत मुश्किलें हैं, वो तो हल नहीं कर सकते। किसान की जो मजबूरी होती है, जो किसानों को दिक्कत आती है, वो लगता है कि इस बजट में पेश की गई है सारा कुछ? नहीं, वो तो नहीं किया, किसानों के तो बहुत दिक्कत है। किसान धरने लगाता है, क्या लगता है कि किसानों अगर उनको सब कुछ मिले तो किसान धरने में ना जाए? हाँ, वो तो है। तो इस बजट में लगा रखा गया कुछ किसानों के लिए? किसानों के लिए मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं रखा गया। किसानों का जो कर्जा है वो तो वैसे वैसे ही है, कुछ दिया किसानों के लिए कि ये कर्जा माफ करें? नहीं है, कमीशन है वो लागू करें। तो पहले तो बोलते थे ना कि हम लागू करेंगे स्वामीनाथ कमीशन, जब लागू करेंगे तो किसानों का जो उसका रेट है वो बराबर मिलेगा। हाँ, वो स्वामीनाथ कमीशन तो बहुत अच्छी थी, पर इसने नहीं किया। भगवंत मान सरकार को कैसे देखते हैं जो आज बजट पेश किया गया है, खासकर युवा पीढ़ी के लिए? युवा पीढ़ी के लिए भी ये बोलते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है, आपको लगता है कि इस बजट में है? जो युवा पीढ़ी के लिए किया होता तो हमारे जो बच्चे हैं वो इधर खेत बेच बेच के बाहर जा रहे हैं, जो इधर नौकरी देंगे तो फिर क्या जाने के लिए क्या लोर है। उधर भी हमारे जो बच्चे हैं जाके मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, लोगों के पशुओं को पानी देते हैं, पक्के डालते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो इधर काम देंगे तो हमारे बच्चे इधर काम देंगे। तो जो इन्होंने बिजली बोल रहे हैं कि हमने 300 यूनिट तक बिजली माफ़ की है, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है, वो भी इस बजट में दिया गया है, उसके बारे में क्या कहना है? वो थोड़ा चेरिया इन्होंने जो तो सारा कुछ इन्हों का धंधा खराब चौकता हो गया, इन्होंने वो भी वापस ले लेने हैं। किसानों का भी लगा रहे ने बिजली लगा रही है, जो किसान को बिजली देते हैं ना वो भी ये लगा रहे हैं। तो आज आके इस बजट को कैसे देखते हैं? बजट वो कुछ ठीक है या कुछ नहीं, किसानों के हक में है तो नहीं, किसानों के हक में, किसानों के हक में तब भी होता ना जब किसानों का कर्जा माफ करते हैं। तो ये थे हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ और भी किसान हैं, मंत्रियों जो कहेंगे कुछ नहीं है, मंत्रियों के बजे भरने कुछ नहीं है किसान।
जो आज पेश किया ये किसान का जो धंधे से खेती धंधे से जो बीज से जो दवाइया से जो फसल के रेट से जो तुम मंगते कि लगता कि वह सारे हल किए गए कितने करने हैं कुछ नहीं करना साढ़े को वोटा ही लैनिया वा भी वोटा पा जो तो घर में चल जाओ बस यो काम वा होर नहीं सरकार को कख भी है बस वोटा लैनिया तू कौन तो मैं कौन हाँ तो लगता है कि ये वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं वोट के लिए इस्तेमाल कर दिया और कुछ नहीं कर सकते लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने किसानों को बहुत कुछ दिया इस बजट में बहुत कुछ खास रखा है मेरी 60 साल की उम्र हो गई है लक्षण यो जी सरकार आती है उ बोलती अं करेंगे जो कर पर अं किसान बेचारे भुखे से भुखे तो हमारे साथ और भी जहाँ पे एक किसान है सर आप कैसे देखा बोलना नहीं चाहता किसान को क्या नहीं मिला कितनी महंगी फसल जा रही है कितनी महंगी सब्जी जा रही है ये किसान कहना मर गया तीन तीन बजे किसान ने कोठी पाई आ क्यों पाई आ कर्जा कहना माफ करा रहा थोड़ा काम कर रहे पहला कर्जा चुकी जाता चुकी मुझे लगता कि किसान मर जाता क्यों मरता कर्जा ना मजदूर 300 रुपया कमा रहा वो बड़ा खुश है 300 से किसान लख रुपया कमा रहा कहना मैं खुश हूँ आपने मजदूरों की बात की है तो अभी अज के समय के लिहाज मजदूरी 700 रुपया चाहिए जो पुलिस मुलाजमें इन्हें 30,000 रुपया तनखा चाहिए सभी लोग बराबर हो 80,000 रुपया तनखा दवाई का काम नहीं कर रहे हाँ जी मजदूर 300 रुपया कमाता और आलम बड़ा खुश रहा मैं 300 मंग जाता है मैं भी मजदूर हाँ मैं गड्डिया पता ड्राइवर में ये लोग क्यों नहीं खुश होते इन्नी इन्नी कमाई करके इन्हें रुपया जोड़ के 300 मैं कोठियां वा कारा डकिया वा ट्रैक्टर 4,000 डके घर ये फिर भुखे थे भुखे क्यों भुखे कर्जा ज्यादा चुक नहीं दिया जो सरकार वा वो किसान बारे सोचदियाँ वा उन्हें कभी मजदूर बारे ही सोचा कि मजदूर को कमाई चाहिए आ मजदूर 300 ही खोजा 1 करोड़ रुपया कमा के नहीं खोजा इस बजट में कितना देख दियो ये बजट में ऐसी देख लो पैसे का ना मैं प्रमोद कुमार के नाल जुड़ा आम पार्टी का मैंबर ऐसी जुड़े ना जिते कि लुट जिमीदारा की लुट जिते कि जिमीदार लुट वो लुटते हैं इस करके मैं भी कहना जो पुलिस मुलाजम है उन्हें तनखा 30,000 रुपया चाहिए खेतीबाड़ी के महकमे की जो जिमीदार बंदा आने कड़क 2,000 रुपया लेना 2,200 कर देना पर दवाई ना डालना दवाई डाल डाल लोगों को मारना है ये कहते ही मर गए तो ये थे हमारे साथ किसान हर वर्ग के किसान थे जिन्होंने अपना अपना पक्ष रखा किसी ने कहा कि ये किसानों के हक में या नौजवानों के हक में नहीं है और किसी ने कहा कि पंजाब सरकार ये किसानों के हक में क्यों जो है मजदूर दिहाड़ीदार हैं उनके हक में क्यों नहीं है क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारी 400 रुपया दिहाड़ी हम लेते हैं और आज जो सिलेंडर है वो कितना महंगा हो चुका है महंगाई कितनी है उसके ऊपर सरकार ने जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनके लिए क्या रखा तो हर एक ने अपनी अपनी राय दी है लेकिन किसी जो भी सरकार ने बजट रखा है वो हर वर्ग के लिए जो सरकार ने कहा कि हमने रखा है लेकिन लोगों ने भी अपनी जो है राय दी है इस बजट के ऊपर तो देखते रहे इंसान JK24 कैमरामैन शिवा के साथ दीपक सैनी की खास रिपोर्ट।